प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी यही 51 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी 23 दिसंबर को करने वाले हैं। मुरादाबाद के बिलारी में ये 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है। बिलारी में 7 बीघा जमीन पर चौधरी साहब की 51 फीट ऊंची ये प्रतिमा और इसके साथ एक 5 मंजिला इमारत बनाई गई है। यहाँ पर बिलारी में जो जाट महासभा है उसने एक जो प्रतिमा है वो 51 फीट की प्रतिमा चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री और जाट नेता थे उनकी ये बनाई गई है। देश में ये सबसे ऊंची प्रतिमा चौधरी चरण सिंह की है जो 51 फीट की ऊंचाई की है। इसका जो लोकार्पण है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। साथ ही साथ 100 बेड का वृद्धाश्रम है उसका और तमाम चीज़ें जो जाट समुदाय के लिए हो सकती हैं उसमें एक ऑनलाइन एजुकेशन का भी जो है वो तैयार किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा देश और प्रदेश में इकलौती है। इसके अलावा 500 सीटों का ऑडिटोरियम भी बनने वाला है जहां वंचित समाज के बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। साथ ही चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों के लिए 20 कमरे बनाए जाएंगे जहां 100 से अधिक अनुयायी रह सकेंगे। कल किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने और किसानों की जनसभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खास तौर से जाट मतदाताओं को 2024 के लिए भाजपा के पक्ष में जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम मुरादाबाद के अंदर रखना बहुत मायने रखता है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुरादाबाद की जो 6 लोकसभा सीटें हैं उनमें से किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो 2024 के लिए मुरादाबाद मंडल खासतौर से है। कहा जा रहा है सीएम योगी किसान दिवस के मौके पर सपा के इस गढ़ में भाजपा की राजनीतिक चौधराहट को धार देंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राह बनाएंगे। 2019 के चुनाव में भाजपा मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटें हार गई थी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ किसान सम्मेलन के बहाने जाट वोटरों को साधेंगे और विपक्ष पर हमला करेंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगभग 3000 पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा की तरफ से किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। 23 तारीख में बिलारी थाना क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का प्रस्तावित है, उसके लिए तैयारी का सुपरविजन करने के लिए आया है। जो तैयारी हो रही है उसका निरीक्षण करने के लिए मैं आया हूं और यहाँ पे एसएसपी एसपीआर ये सभी लोग हैं और उनका निर्देश दे रहा हूं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का कड़ी से रहने के लिए, यहाँ पे कैसे वाहन व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण कैसे रहेगी, पार्किंग की व्यवस्था कैसे रहेगी, मंचों पर कैसे व्यवस्था रहेगी, उसके बारे में निर्देश देने के लिए मैं आया हूँ। हाँ, इसका दोनों कार्यक्रम, एक जनसभा है और एक यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण, दोनों कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो दोनों होगी। कार्यक्रम मथुरा के रहने वाले जाट नेता और यूपी के गन्ना विकास और मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के करीबी और जाट महासभा के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी और अनिल चौधरी करा रहे हैं। भाजपा की कोशिश पश्चिमी यूपी में जाट नेताओं को जोड़ने की है। इस कार्यक्रम में रालोद नेता और चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी को भी निमंत्रण भेजा गया है। अब देखना होगा कि कल वह इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।